हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज एक बेस्ट बना करके दिखा रही हूँ, बेबी बेस्ट। 3 से 4 साल और 5 साल के बच्चे को ये आएगा। तो इसमें देखिए, ये मैं वर्धमान की वूल यूज कर रही हूँ और 9 नंबर की सिलाई के साथ इसे निट करूँगी। देखिए ये वाली वूल है और 9 नंबर की सिलाई मैं इसमें लगाऊंगी। 3 प्लाई की वूल है। देखिए इस तरह से, अगर आप धागों को खोल के देखेंगे तो 3 धागे निकलेंगे। ये देखिए इस तरह से 3 धागों से जो है, 3 धागों वाली वूल है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये 3 साल से लेके 5 साल के बच्चे को अगर बनाएंगे तो ये जो है इनर आप कह सकते हैं, इसे स्वेटर आप कह सकते हैं, जी आ जाएगा 5 साल तक के बच्चे को, 3 साल से लेके 5 साल। अब इसकी लंबाई देख लीजिए, यहाँ से लेके गले से लेके अगर नीचे तक इसकी लंबाई को काउंट करेंगे तो ये 15 इंच तक आएगी। 15 इंच तक जो है इसकी लंबाई है। और चौड़ाई को आप इस तरह से अगर खींच के नहीं देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक 9.5 इंच के करीब है। तो ये देखिए इस तरह से काफ़ी स्ट्रेचेबल है, ये देखिए इस तरह से। तो इसे हेल्दी बच्चा भी पहन सकता है। और आर्म होल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ या सीधी सीधी सिलाइयाँ आप बनाएं तो इस तरह से बनाई है। अगर इसको इस तरह से देखें तो 5.5 इंच के करीब है। अगर इसको खींच के देखेंगे तो 6.5 इंच के करीब जो है इवन आर्म होल की लंबाई बनी है। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं आप। ये गले की पट्टी है, 8 फंदों से बनाई है। अगर आप इस तरह से देखेंगे 4 इंच के करीब आ गई, इस तरह से देखेंगे 5 इंच के करीब आएगी। तो ये स्ट्रेचेबल है, दोनों साइड में स्ट्रेचेबल है, देखिए इस तरह से, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे अगर खींच के देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। इसे काफ़ी हेल्दी बच्चा पहन सकता है, ऐसे नहीं कि नॉर्मल बच्चा ही पहन सकता है। अगर ज़्यादा बच्चा हेल्दी है तो भी इसे पहन सकता है। तो इस तरह से ये बेस्ट जो है ये बन के रेडी हुआ है। इस तरह से देखिए, ये बैक साइड है, ये बैक साइड है इसकी, और ये फ्रंट साइड है देखिए। और ये उल्टी साइड में इस तरह से डिजाइन आएगा, सीधी साइड में 2 फंदे सीधे एक उल्टा, और उल्टी साइड में 1 फंदा सीधा 2 उल्टे का डिजाइन आएगा। साथ में 7-7 फंदे जो है इसके, इसमें साथ में ये उल्टे उल्टे, चाहे आप सीधे सीधे चला लीजिए। तो इस तरह से जो है ये बन के रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। बहुत ही प्यारी सी जो है बेबी बेस्ट बन के रेडी हुआ है। आप इस तरह से बना सकते हैं इसे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। थोड़े से फंदों में मैं आपको ये सिर्फ डिजाइन बना करके दिखाऊंगी कि कैसे हमने इसको बनाना शुरू करना है। देखिए इस ऊन के साथ बना करके दिखा देती हूँ थोड़े से फंदों में ये पैटर्न जो है कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमने जैसे 7 फंदे यहाँ पे बटन पट्टी के रखे हैं, 7 फंदे साइडों में सॉरी रखे हैं। तो यहाँ पे मैं 4 फंदे आपको रख के दिखा देती हूँ। सेम पैटर्न बनेगा, सिर्फ आपने जो है इस तरीके से बनाना है। तो बीच में देखिए 2 सीधे 1 उल्टा 2 सीधे 1 उल्टा 2 सीधे 1 उल्टा 2 सीधे और 4 फंदे हमारे साइड के होंगे। तो मैं इतने से जो फंदों में आपको ये पैटर्न बना करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमारी जो है ये बैक साइड से रो आएगी। तो बैक साइड में हमने जैसे 7 फंदे रखने हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी 4 फंदों पे। तो 4 फंदे जो है देखिए इस तरह से, पहले तो आपने 7 फंदे सीधे रखने हैं, मैं 4 रखूंगी यहाँ पे। फिर उसके बाद जब आपने 7 फंदे यहाँ पे बुन लिए तो मैं आपको जो है 2 फंदे, क्योंकि बैक साइड है हमारी, 2 फंदे उल्टे 1 सीधा 2 फंदे उल्टे 1 सीधा, जो यहाँ पे उल्टे बन रहे हैं वो वहां से सीधे बनेंगे, और जो जहां से सीधा फंदा बन रहा है वो वहां से उल्टा फंदा बनेगा। बस आपने यही ध्यान रखना। देखिए 1 फंदा सीधा 2 फंदे उल्टे।
अब यहाँ पे आप मान लीजिए सात फंदे हैं आप आपके बड़े जो है जो मैं बना रही हूँ, यहाँ पे सात फंदे रखे हैं स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी। और यहाँ पे आपने सात फंदों को उन सात फंदों को ऐसे सीधा बुन लेना है, दोनों साइड से हम सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे। तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट रो। अब आ जाइए सेकंड रो, क्योंकि जो ये फर्स्ट वाले जो फंदे हैं इनको हमने जैसे सात की जगह पे मैंने चार रखे हैं, तो इनको हम सीधा बुनेंगे, दोनों साइड से सीधा बुन दिया। और ये जो दो फंदे हैं इनको सीधा बुनेंगे, क्योंकि दूसरी साइड से उल्टे थे, सीधा एक उल्टा, फिर दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे। जब मैं थोड़े जो फंदों में आपको पैटर्न बना के दिखा रही हूँ, फिर लास्ट में दो सीधे। और ये फंदे हमारे जो सात फंदे होंगे, यहाँ पे मैंने चार रखे हैं, यहाँ पे इन चारों को मैं सीधा बुन देती हूँ, क्योंकि दोनों साइड से ये चार फंदे जो हैं दोनों साइड से सीधे सीधे बुने जाएंगे। अब आ जाइए दूसरी साइड। दूसरी साइड से ये जो साइड के फंदे हैं वो तो हमने रखने हैं सीधे सीधे, मैंने चार रखे हैं। और ये जो दो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बनाएंगे, दूसरी साइड से सीधे हैं, ये जो एक फंदा इसे सीधा बनाऊंगी, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। तो इस तरह से हमने जितने भी आपने फंदे रखे हैं उनको आपने इस पैटर्न में बना लेना है। देखिए इन्हीं दो तीन सिलाइयों को आपने रिपीट करना है, वैसे तो दो सिलाइयां होंगी, क्योंकि अब आपको दिखा देती हूँ ये पैटर्न कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए इस तरीके का बनेगा। अब बड़े वहां भी मैं दिखा देती हूँ, मैंने क्योंकि मैंने बना लिया है तो इसलिए आपको पैटर्न ये बना करके दिखाया है। इस तरह से देखिए ये जो है इसको मैंने इतना लंबा बना लिया। देखिए व्हाइट जो है मैं ऊन में बना रही हूँ, 9 नंबर की सिलाई है कि इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया ये मैंने सात फंदे रखे हैं, फिर दो फंदे सीधे एक उल्टा, दो सीधे एक उल्टा। अब दूसरी साइड से सात फंदों को सीधा बुना, जो हमारे फंदे यहाँ से सीधे हैं वो यहाँ से उल्टे आएंगे, जो हमारा फंदा एक हमने यहाँ पे उल्टा रखा है यहाँ पे सीधा आएगा। तो आपने इस तरह से बना लेना है इसको। अब देखिए इसमें जो है मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है, क्योंकि भूल जो है थोड़ी ना ही ज्यादा थिक है ना ही ज्यादा बारीक है। तो इस तरह से आपने बनाना है इसको, आपको दिखा देती हूँ मैंने बनाया कितना है इसको। अब यहां से मैं फंदे, पहले तो आप फंदे देख लीजिए, यहां पे मैंने जो है 76 फंदे रखे हैं, 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, 3 से 5 साल के बच्चे के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे 76 जो है स्टिचेस ही रखेंगे 3 से 5 साल के बच्चे के लिए। तो मैं 3 से 4 साल की बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे मैंने 7 स्टिच लिए, यहाँ पे 7 लिए, तो मेरे 14 स्टिच तो यहाँ पे निकल गए। तो टोटल मेरे पास जो है यहाँ पे 76 जो है फंदे हैं, तो बीच में मेरे पास फंदे जो है 62 है, जिसमें मैंने 2 सीधे और 1 उल्टे का पैटर्न बनाया है। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने डिजाइनर फंदे डाले हैं, कोई भी आप फंदे डाल लीजिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें जो है मैंने बनाया है देखिए 10.5 इंच के करीब जो है इसको लंबाई में बना लिया है। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग लंबाई बनाइए, क्योंकि किसी का बच्चा जो है थोड़ा लंबा होता है, किसी का थोड़ा ठीक होता है, नॉर्मल होता है, और किसी का ज्यादा हेल्दी होता है, जो आप अपने बच्चे के हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसकी चौड़ाई अगर देखें तो इस तरह से अगर आप स्ट्रेच नहीं करते हैं तो यहां से लेके यहां तक देखेंगे 9 इंच है। अगर आप स्ट्रेच करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो इसकी चौड़ाई देखिए, देखिए बहुत चौड़ाई जो है इसकी बन जाती है, मतलब कि इसे काफी हेल्दी बच्चा भी पहन सकता है। देखिए बहुत चौड़ाई बन जाती है इसकी, काफी स्ट्रेचेबल है। तो इसलिए मैंने जो है ये आपके साथ शेयर किया है कि कैसे हमने इसको बनाना है। अगर आप इस पैटर्न में बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर सा हमारा जो है ये बन जाएगा। अब आप देखिए आगे हमने इसको कैसे बुनना है। देखिए एक सिलाई मैं इस पे भी आपको बना करके दिखा देती हूँ। देखिए
ये सात फंदे जैसे मैंने आपको बताया, सात फंदे हम सीधे बुनेंगे। दो सिलाइयां इसमें बना करके दिखा देती हूँ, क्योंकि दो ही सिलाइयों का पैटर्न है। देखिए सीधी साइड है तो सात फंदे हमने बुन लिए। देखिए दो दो चार पांच छह सात, सात फंदे बुन लिए। अब दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अगर आप इससे छोटा बना रही हैं तो आप जो है 76 की जगह पे 70 फंदे डाल लीजिए। अगर उससे भी छोटा बना रहे हैं तो उसमें से 64 फंदे डाल लीजिए, 64 फंदे डाल लीजिए। इस तरह से आपने छोटा छोटा करते हुए 6-6 फंदे घटाने हैं। अगर बड़ा बनाते जाना है तो 6-6 फंदे आपने ज्यादा बनाते हुए जाना है। बस यही इसका जो है मेथड है। अब इसको में जो इसमें जो है दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टे का जो है ये मैं पूरा बना लेती हूँ। हमने स्टार्टिंग से ही यही पैटर्न स्टार्ट करना है, इसमें बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं बनेगा। स्टार्टिंग से फंदे डालने के बाद आपने इस तरह से इसको बनाना स्टार्ट करना है। देखिए लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में 6-7 जो फंदे हैं इनको हमने इस तरह से सीधा बुन देना है। अब दूसरी सिलाई जो होगी आपकी वो यहाँ से इन 7 स्टिचेस को आपने सीधा बुनना है ऐसे। और अब जो फंदे वहां से दूसरी साइड से हमारे पास सीधे थे यहाँ से उल्टे आ जाएंगे। देखिए यहाँ से जो फंदे दो सीधे हैं यहाँ से उल्टे आ जाएंगे। दो फंदों को सीधा बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे, एक सीधा बनाएंगे। इस तरह से पूरा जो है पैटर्न दूसरी सिलाई से कंप्लीट करेंगे। देखिए दो फंदे उल्टे एक सीधा, तो इसमें जो उल्टी साइड का पैटर्न बनेगा वो तो हमारा ये वाला होगा। देखिए ये एक फंदा सीधा दो उल्टे, और जो सीधी साइड का पैटर्न बनेगा वो ये होगा, दो फंदे सीधे एक उल्टा, दो सीधे एक उल्टा। जो जहां से सीधा है यहां से उल्टा बनेगा, जो जहां से उल्टा है यहां से सीधा बनेगा। बस यही आपने ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स इतनी लंबाई बनाने के बाद हमने इन स्टिचेस को हाफ करना है, मतलब कि अब जहां पे हमने जो है बटन पट्टी बनानी है तो यहाँ पे हमने हाफ स्टिचेस करने हैं। तो देखिए हमारे पास जो है 76 जो है स्टिचेस हैं, 76 स्टिचेस को हमने हाफ करना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 जो है हमारे पास पेयर है, मतलब कि 76 जो है हमारे पास फंदे हैं। इन 76 में से हमने यहाँ पे 38 रखने हैं, यहाँ पे 38 रखने हैं। सबसे पहले तो हम हाफ कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ पे हमारा आ गया इसका हाफ, तो यहाँ पे भी 19 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो यहाँ पे भी हाफ आ गया। अब देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे आगे। सबसे पहले तो इसको सीधा बुनेंगे, दो फंदे सीधे एक उल्टा, दो सीधे एक उल्टा, दो सीधे एक उल्टा, दो सीधे एक उल्टा। इस तरह से हमने अब आप चाहे जो बटन पट्टी के फंदों को कितना रखना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड है, कितना रखना चाहते हैं आप। देखिए मैं जो है चार फंदे रखूंगी यहाँ से,
आठ फंदे टोटल रखूंगी, चार फंदे मेरे यहाँ पे हो गए, चार फंदे मैं यहाँ से रखूंगी और चार ही फंदे मैं यहाँ से रखूंगी, आठ फंदे हो गए। तो इन आठों फंदों को मैं सीधा सीधा बुनूंगी, देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये फंदे मैं दोनों साइड से आठ फंदे जो हैं ये सीधे सीधे ही बुनूंगी। यहाँ पे हम जो है मार्कर लगा लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ से हमने बटन बैंड को स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे बटन पट्टी के फंदे हो गए आठ। आप छः भी रख सकते हैं, सात रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, आप कितना जो चौड़ा है इसे बनाना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ तक हो गए, अब एक जो है और ले लेते हैं ऐसे इस तरह का, और इसको हम यहाँ पे डाल लेते हैं। देखिए तो ये हो गए हमारे बटन पट्टी के फंदे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब यहाँ से जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा बनाएंगे हम, एक उल्टा, ये दो सीधे, एक उल्टा दो सीधे, एक उल्टा दो सीधे, इस तरह से पूरी सिलाई को हम इस तरीके से बना लेते हैं पहले। अब देखिए दूसरी साइड से इस सिलाई को फिर से उसी तरीके से बनाएंगे, जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा वैसा ही हमने बनाना है। मतलब कि सात फंदे हमने यहाँ पे सीधे बना लिए, सात फंदे सीधे बनाने के बाद दो उल्टा एक सीधे का पैटर्न बनेगा और बीच वाले जो आठ फंदे हैं उनको हमने सीधा बनाना है ताकि एक निशान लग जाए कि हमारे जो है बटन बैंड हमारा यहाँ से शुरू होगा। देखिए यहाँ से देखिए एक फंदा हमारा यहाँ से सीधा आएगा। अब बटन बैंड के फंदे हैं इनको हमने इस तरह से बटन पट्टी के फंदों को आठ फंदों को सीधा बुनना है। बस एक सिलाई हमने ऐसे बनानी है, बाद में हमने दोनों साइड को अलग अलग करके बुनना है। ये आठ फंदे हो गए। अब चाहें तो आप यहाँ से वापस जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से ये वाला हिस्सा भी बुन लीजिए। हम यहाँ से वापस जाएंगे, देखिए यहाँ से वापस जाएंगे और ये वाला मार्कर को हम अब हटा देंगे, इसकी कोई अब जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे, इसे भी हटा देंगे। तो सबसे पहले हमने इस फंदे को इस तरह से उतारना है, देखिए ऐसे उतार लिया और आठ फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए ये बटन पट्टी के फंदे हैं। अब हर बार ये सीधे बुने जाएंगे, इस तरह से सीधे बुन लिए। अब देखिए आगे हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये हमारा एक निशान लग गया कि हमारी बटन पट्टी इस तरह से आएगी। अब देखिए एक फंदा उल्टा दो सीधे, एक उल्टा दो सीधे, एक उल्टा दो सीधे, एक उल्टा दो सीधे, एक उल्टा, इस तरह से हमने दो सीधे एक उल्टा तो ये जो दो फंदे हैं सीधे और एक उल्टा इसे हम ऐसे ही रखेंगे, ये हमारे लास्ट तक चले जाए मतलब चलते जाएंगे। ये जो दो फंदे हैं इनको हमने इस तरह से दो का एक करना है, दो का एक हो गया। और एक फंदा हमारा उल्टा दो सीधे। अब देखिए अब यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पे हमने फंदा घटा दिया है, तो इस तरह से एक फंदा बनाया, इसी फंदे को दूसरी बार बनाया, दो हो गए और बाकी सारे फंदे सीधे। अब सीधी साइड से हर बार हमने ऐसे ही करते हुए जाना है, एक फंदा उतारा। अब देखिए हमारे पास सात फंदे थे और एक फंदा हमारा इंक्रीज हो गया, आठ फंदे हो जाएंगे इससे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ हो गए। अब देखिए ये जो दो फंदे हैं उल्टे उल्टे बुने जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से ये
सीधा बुना जाएगा। अब देखिए ये फंदा सीधा, इसे भी हम उल्टा बना लेते हैं। देखिए ये भी हम उल्टा बनाएंगे और ये दो फंदे सीधे, क्योंकि दूसरी साइड से फिर से घटेगा फंदा, और ये दो फंदे उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा। इस तरह से हमने पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है। और बटन पट्टी के जो फंदे हैं उनको हम सीधा सीधा बुनेंगे दोनों साइड से। एक सीधा। अब देखिए ये जो है बटन पट्टी के फंदे हैं हमारे, आठ फंदे हैं बटन पट्टी के, तो आठों को हम इस तरह से सीधा बुन देंगे। इसे उल्टा बुन देंगे ऐसे। अब आ जाइए दूसरी साइड से फिर से इस फंदे को उतारेंगे, सात फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात, ये हमारे हो गए दो दो चार पांच छ सात आठ, आठ फंदे बटन पट्टी के हो गए। फिर एक फंदा उल्टा आएगा इसके साथ वाला, दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे। दो लाइन बता देती हूँ आपको, बाद में आपको बताऊंगी कैसे आपने कितने फंदे रहने तक इसको इस तरह से करना है। ऐसे दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा, लास्ट वाले फिर से हमने दो फंदे घटाने हैं। तो ये दो फंदे जो हमने उल्टे किए थे इनको उल्टा इस तरह से पकड़ के उल्टा घटा देंगे, और ये फंदा उल्टा आएगा, ये दो फंदे सीधे आएंगे। अब यहाँ पे फिर से, यहाँ पे हमारा दो का एक हुआ, यहाँ से फिर से हमने फंदा बढ़ाना है, तो इस फंदे को दो बार ऐसे बुन लेंगे, एक बार आगे से एक बार पीछे की साइड से। अब हमारे पास नौ फंदे यहाँ पे उल्टे उल्टे या सीधे सीधे आप कह लीजिए हो गए हैं इस तरह से। देखिए अब ये वाले फंदे बढ़ते हुए जाएंगे, यहाँ से हमारे फंदे कम होते जाएंगे, मतलब कि यहाँ से ये वाले पैटर्न के कम हो रहे हैं, लेकिन वैसे कम नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे एक डिजाइन सा बनेगा, ये फंदे इस तरफ जाएंगे, ये फंदे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो फंदा घटेगा यहाँ पे बढ़ जाएगा, इस पैटर्न में बढ़ जाएगा, इस पैटर्न में घट जाएगा, बस यही आपने ध्यान रखना है। तो मैं ये एक साइड का बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने बटन होल बनाना है, तो चार फंदे हमने बुनेंगे। देखिए ये मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है इतना बनाया है, ये एक लाइन हमारी बेसिक रो थी, उसके बाद एक दो तीन चार पांच लाइनें बना करके, छठी लाइन, छह लाइनें बना करके, अब यहाँ पे हम एक बटन होल बनाएंगे। तो चार फंदे ऐसे बुन लिए, धागे को अपनी तरफ किया, दो का एक करेंगे, तो यहाँ पे एक बटन होल बन जाएगा इस तरह से। देखिए जब ये जाली को बुना जाएगा फिर इसमें होल हो जाएगा, तो बटन होल यहाँ पे बन जाएगा, और बाकी फंदे इस तरह से। तो आठ फंदे हैं, दो दो चार पाँच छ सात आठ, एक उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे, उसी तरह से जो है हम बनाते हुए जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया है इसी तरह से हम डिक्रीज करेंगे, उसी तरह से हम जो है इंक्रीज करेंगे फंदे को। दो का एक करेंगे यहाँ पे, एक फंदा उल्टा आएगा, ये दो फंदे सीधे, हमेशा हमारे ये दो फंदे सीधे और एक उल्टा साथ में चलता जाएगा। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे, इस फंदे को एक बार बुना, बैक साइड से सिलाई को घुमाया और दूसरी बार फिर से इसी फंदे को बुन लिया, तो दो फंदे हमारे पास इस तरह से हो जाएंगे, एक के दो बनाने हैं हमने। तो इस तरह से एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा, जो हमारा घटा है फंदा वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, और बाकी फंदे सारे सीधे। अब देखिए अब इस तरह से हमारी जो है घटाई यहाँ पे इस तरह से बन रहा है घटने का, और यहाँ पे हमारे पास दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह
16 17 अभी फंदे हैं, अभी हमने और घटाने हैं फंदे। तो यहाँ पे हम फंदे रखेंगे 2 2 4 5 6 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हम रखेंगे। बाकी हमने जो है ये 3 फंदे हम और घटा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कितना हुआ हमारे पास। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक जो है फंदे घटा लिए। अब हमारे पास 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 फंदे हमारे जे इस वाले बने हैं, ये वाले जहाँ पे हमने बढ़ाए हैं। और ये हमारे पास बचे हैं 3 फंदे, ये हैं जो हमारे लास्ट तक चलते जाएंगे। और यहाँ से लेके देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक फंदा हमारा ये, 13 फंदे हमारे बीच में हैं और 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। तो अब इसमें हमने देखिए कैसे बनाना है इसको। तो सबसे पहले हम 8 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे, एक उल्टा 2 सीधे। अब हमने घटाना नहीं है, इस तरह से हम 2 सिलाइयां बना लेंगे, घटाएंगे नहीं, जो फंदा जैसा है वैसा ही बनेगा। एक उल्टा 2 सीधे, एक उल्टा, और यहाँ पे देखिए ये वाला उल्टा आ रहा है। अब ये जहाँ पे 2 फंदे उल्टे आ गए हमारे, यहाँ पे घटा लिया, 2 फंदे उल्टे आ गए, तो 2 फंदे सीधे। अब देखिए यहाँ पे हमने घटाया नहीं है, तो इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही बुन देंगे, ना ही हमने डिक्रीज किया ना ही हमने इंक्रीज किया। तो इस तरह से हमारी ये सिलाइयां, ये सिलाई बन के कंप्लीट हो गई। और उल्टी साइड से इस सिलाई को जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाएंगे, जो बना रहे हैं जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। देखिए अब देखिए यहां से ये बटन पट्टी के फंदे हम ऐसे ही बनाएंगे, 8 फंदे हैं तो इनको हमने 8ों को इस तरह से बना लेना है। अब देखिए हमने यहाँ पे कैसे बनाना है, ये जो सारे फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे, ये 3 फंदों को हमने इसी तरह से बनाना है जैसे हम बनाते आए हैं। देखिए यहाँ से पहले सीधे बुनेंगे, ये उल्टा, ये 2 सीधे, बस यही हमारे जो हैं बनेंगे, बाकी हमारे सारे फंदे जो हैं सीधे सीधे बनेंगे इस तरह से। अब दूसरी साइड इन फंदों को सीधा बनाएंगे, दो उल्टे और एक ये सीधा और बाकी सारे फंदे सीधे। लास्ट वाला उल्टा। अब देखिए ये हो गई हमारी एक लाइन, ऐसे ही करते हुए हमने इस तरह से आएंगे वापस, इन फंदों को सीधा बुनेंगे,
से उल्टा, दो फंदे सीधे और बाकी ये जो वाले फंदे हैं ये भी हमारे सीधे बुने जाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से बन रहा है। ऐसे ही मैंने ये एक लाइन बनाई है, चार लाइन मैं और बनाऊंगी। अब देखिए यहाँ तक हमने जो है इसको कंप्लीट किया है। यहाँ पे मैंने एक बटन होल बनाया है सेंटर में। तो बटन होल बनाने के बाद दो लाइंस मैंने और बनाई है। देखिए ये दो लाइन, पांच लाइनें बनाई हैं, दो लाइनें बना के फिर तीसरी लाइन में बटन होल बना के उसके बाद दो लाइंस मैंने और बनाई है। तो इसके बाद देखिए हम आगे कैसे बनाएंगे इसको। इसमें जो है देखिए ये जो फंदे हैं हमने बंद करने हैं। देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। अब देखिए यहाँ पे जो है ये तीन फंदे तो हमारे ऐसे ही चलेंगे, ये जो तीन फंदे हैं। इससे आगे चार फंदे हमने और रखने हैं, चार फंदे हम और रखेंगे। एक फंदा और घटा लेती हूँ यहाँ पे, चार फंदे देखिए इनको हमने सीधा सीधा बुनना है ऐसे। तो ये फंदा भी अब सीधा बुन जाएगा और ये दो सीधे तो हमारे जो है एज इट इज चलते ही रहेंगे। इसको भी हम उल्टा बुन लेते हैं, देखिए इस तरह से उल्टा और ये सीधा, तीन फंदे हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे। अब इनको सीधा बुनेंगे बाकी सारे फंदों को। इस तरह से हो गया। अब दूसरी सिलाई में ये स्टार्टिंग वाले फंदे सीधे और दो सीधे एक उल्टा जो है वो वैसे ही चलेगा हमारा। ये दो सीधे हैं और एक उल्टा है और ये चार फंदे सीधे बुने जाएंगे, तीन फंदे सीधे और ये एक उल्टा, इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने एक जो है धारी बना ली है। अब इसी तरह से हमने 18 सिलाइयां और बनानी है, इस तरह से। जब आपको लगे कि आपके गले की लंबाई जो है कंप्लीट हो गई है तब आपने इसको बंद कर देना है, देखिए ऐसे। और सेम इसी प्रोसीजर से दूसरी साइड को बुन लेना है आपने। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये थोड़े से फंदे बना करके देखिए इस तरह से। देखिए ये फंदे हमारे सीधे होंगे और ये जो दो फंदे हैं ये हमारे यहाँ पे सीधे होंगे, दूसरी साइड से उल्टे होंगे, और बाकी फंदे सारे हमारे सीधे सीधे चलेंगे। ये सीधे, ये उल्टा फंदा, ये दो सीधे, ये सारे सीधे। अब यहाँ से ये फंदे सीधे बुने जाएंगे, ये जो दो फंदे सीधे हैं यहाँ से ये उल्टे बुने जाएंगे, ये सीधा और चार फिर से सीधे। इस तरह से आपने जो है इसको बनाना है। तो मैं इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको समझ भी आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या कैसे बना रही हूँ। देखिए इस साइड का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने देखिए कितनी सिलाइयां बनाई हैं, पांच धारियां तो हमारी ये गले की हो गई। अब इसके बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, बीस सिलाइयां मैंने जो है इसमें इस तरह से बनाई है। ये इस तरह से आ जाएगा बैंड होकर।
अब इन फंदों को सेफ्टी पिन पे उतार लेते हैं और इन फंदों को सिलाई में उतार लेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे देखिए इन फंदों को हमने सेफ्टी पिन में उतार लिया और इन फंदों को सिलाई में ले लिया। अब देखिए हम आगे का पोर्शन कैसे बनाएंगे। यहां से जो है बटन बैंड हमने बनाना है, तो यहाँ पे ये वाले जो फंदे हैं ये हमने पहले उठाने हैं। देखिए कैसे उठाएंगे, यहां से देखिए ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां फंदा यहां से उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट में 8। ये 8 फंदे उठा लिए। अब इनको हमने सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। और बाकी पैटर्न उसी हिसाब से बुनेंगे जैसे हमारा चल रहा है। नीचे से 2 फंदे उल्टी साइड है, 2 फंदे उल्टे, 1 सीधा आएगा यहाँ पे। इस तरह से पूरी रो को हम बना लेंगे ऐसे। 2 फंदे उल्टे और ये 7 फंदे जो हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए दूसरी साइड से हमने इसको कैसे बनाना है। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, फिर उसके बाद हमने सेम वैसे ही बनाना है वैसे तो जैसे दूसरा पोर्शन बनाया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि हमने वो फंदे इस तरफ घटाए हैं, ये फंदे इस तरफ घटाने हैं। देखिए ये फंदा ऐसे। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इंक्रीज करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे डिक्रीज होगा। यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो 1 फंदे को 2 बार बनाया और 2 फंदे हमारे सीधे, 1 फंदा उल्टा। अब यहाँ पे जो है इन 2 फंदों को इस तरह से उतारने के बाद 2 का 1 करेंगे हम, तो इस तरफ हमारी डायरेक्शन जो है घटाने की हो जाएगी। 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा और बाकी जो 8 हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं उनको हमने सीधा सीधा ही बुनना है। बस यही हमने जो है दोहराते हुए जाना है। तो जितनी सिलाइयां हमने दूसरी साइड में बनाई है उतनी ही हम यहाँ पे बनाएंगे, उतने फंदे मतलब कि डिक्रीज इंक्रीज करेंगे। 1 फंदा उल्टा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये फंदे 8ों हमने सीधे बनाने हैं। देखिए इसको भी सीधा बना। अब आ जाइए दूसरी साइड। दूसरी साइड से इस फंदे को तो हम उतारेंगे और इन फंदों को सीधा बुनेंगे। 2 4 5 6 7 8 और इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे दूसरी साइड से और 2 फंदे उल्टे और 1 सीधा। तो इस तरह से सेकंड रो भी हमारी जहां पे दूसरी साइड वाली पूरी हो जाएगी।
एक बार मैं फिर से आपको करके दिखा देती हूँ, फिर आपने पूरी जो है दूसरी साइड भी इस तरीके से बुन लेनी है। देखिए ये फंदा सीधा, अब ये फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे ताकि हमारा पैटर्न जो है सफाई से आए। देखिए दो फंदे उल्टे और ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, क्योंकि हमारा फंदा यहाँ पे एक इंक्रीज हो गया था। अब दूसरी बार एक बार फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, आठ फंदे बनाएंगे हम सीधे, सात फंदे सीधे बना करके आठवें फंदे को दो बार बुनेंगे, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, ताकि हमारा यहाँ पे फंदा इंक्रीज हो सके। फिर दो फंदे सीधे और एक उल्टा, ये तो हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे। अब ये जो दो फंदे हैं इनको हम इस तरह से दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा, और बटन पट्टी के फंदे हमने सीधे ही बना के रेडी करने हैं। तो इस तरह से मैं इस साइड को भी बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है ये मैंने इतना बनाया है, यहाँ पे मैंने 10 लाइंस बनाई है, मतलब कि 20 सिलाइयां बनाई है, यहाँ पे भी 20 सिलाइयां बनाई है, यहाँ पे 10 सिलाइयां बनाई है, पांच जो है धारियां बनी है, एक दो तीन चार पांच। तो यहाँ पे जो है इन बंदों को बंद कर दिया है। इस तरफ भी मैंने चार फंदे रखे हैं, ये पांचवा फंदा हमारा उल्टा था और दो सीधे, और इस तरफ भी मैंने चार फंदे रखे हैं, पांचवा फंदा उल्टा था और दो सीधे। तो इस तरह करते हुए ये कंप्लीट किया है। आप देखिए पीछे वाला पोर्शन बनाएंगे, इसी के साथ जो है पीछे का पोर्शन भी हम बना लेंगे। अब आपने देखना है यहां से यहां तक आपने कितने फंदे बंद किए हैं। एक साइड की बटन पट्टी हमने काउंट करनी है बीच वाली, और एक साइड की बटन पट्टी को छोड़ के यहां से लेके यहां तक हमने कितने फंदे काउंट किए हैं, ये प्लस ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक, क्योंकि एक पट्टी जो है हमारी नीचे ऐसे आ जाएगी। तो इस तरह से हमने जो है इन फंदों को ऐसे काउंट करना है, देखिए ये और ये यहां से यहां तक ऐसे। तो ये टोटल हमारे कितने फंदे हैं, ये मैंने जो है यहां से लेके यहां तक मेरे पास 27 फंदे हैं। 27 फंदे हमने यहां पे नए बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे हम, इस तरह से ऐसे और ऐसे, जिस तरीके से भी आप फंदे बनाते हैं उस तरीके से आप जो है नए फंदे बना लीजिए। एक दो तीन चार, देखिए 27 फंदे मैंने कास्ट ऑन किए हैं, न्यू वाले फंदे हमने यहाँ पे बनाए हैं, और इसके साथ हम इसको लेके बनाएंगे। देखिए इसे भी सिलाई में डाल लेती हूँ, इस तरह से। अब इसको भी हम साथ लेके बुनेंगे ऐसे, तो ये सीधे फंदे हैं दो, इन्हें सीधा बुनेंगे, दूसरे सारे फंदों को इस तरह से सीधा बुनते हुए जाएंगे। आप देखिए इसके बाद हमने जो है ये दो दो फंदों को छोड़ के बाकी सारे फंदों को सीधा सीधा बुनना है दोनों साइड से, क्योंकि जो दो दो फंदे हैं उनको हमने उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा बुनेंगे। देखिए हम दिखा देती हूँ आपको कैसे बुनना है इसको, जो हमारे दो फंदे हैं केवल उन्हें ही हमने उल्टा बुनना है उल्टी साइड से। ये देखिए दो दो फंदे सीधे हैं यहां से, तो इन्हें हम यहां से उल्टा बुनेंगे, उल्टा बुन लिया, ये फंदा मेरा सीधा था, मैं सीधा ही बुनते आई हूं नीचे से, तो इसे हम सीधा बुनेंगे और बाकी सारे स्टिचेस को
सीधा बुनेंगे। देखिए ये जो नए फंदे बनाए हैं, थोड़ा सा इसे इस तरह से हल्के हाथों से बनाएंगे तभी हमारा ठीक आएगा। इस तरह से ये जो फंदे नए बनाए हैं, एक आध फंदा ज्यादा या कम हो गया तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, आप उसे बाद में एडजस्ट कर सकते हैं जब हम दो सीधे और एक उल्टे का बनाएंगे बॉर्डर। बॉर्डर क्या मतलब कि जब हम पैटर्न बनाएंगे उसमें हम अपना डिजाइन को सेट कर सकते हैं ये फंदों को। तो दो फंदे यहाँ पे सीधे हैं और बाकी सारे स्टिचेस को इस तरह से सीधा बुनेंगे। अब इसी तरीके से जैसे हमने आगे वाली जो 10 लाइनें बनाई थी ना बॉर्डर की गले में, उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी 10 लाइनें बनानी है। उसके बाद हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं 10 लाइनें बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जैसे जैसे हमने फंदे जो है यहाँ पे इस साइड में बढ़ाए घटाए हैं, वैसे ही हम दूसरी साइड में करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बना लिया, इसमें जो है पांच धारियां हमने बनाई है, 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब यहां से जैसे हमने घटाए हैं बढ़ाए हैं वैसे ही यहां से करेंगे। मतलब कि यहां से घटाएंगे, यहां से एक फंदा बढ़ाएंगे, और जहां से बढ़ाएंगे यहां से घटाएंगे। इस तरह से हमने बनाना है और अपना पैटर्न भी दो फंदे सीधे और एक का एक फंदे उल्टे का पैटर्न भी बनाना। देखिए कैसे बनाना है, ये दो सिलाइयां मैं बना करके आपको दिखा देती हूँ, फिर आपने उस तरीके से करना है जब तक हमारे पास यहाँ पे 7 फंदे नहीं रह जाते, तब तक हमने यहाँ से घटाना है, यहाँ से भी घटाना है, और बाकी हमारे बीच वाले फंदे तो पूरे हो ही जाएंगे। देखिए कैसे बनाना है, ये दो फंदे हैं, इनको दो को हमने इस तरह से घटा देना है पहले। ये जो सीधे दो हैं इनसे दो फंदे पहले वाले हमने घटा दिए और सीधे दो फंदे हमने यहाँ पे बना लिए, सीधे दो फंदे बना लिए। अब यहाँ पे हमने एक फंदा उल्टा बनाना है, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा हम बढ़ा लेंगे। तो दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे। इस तरह से हमने अपना पैटर्न जो है, जैसे हम पहले वाले पोर्शन में पैटर्न हमने बनाया था वैसे ही इसमें बनाएंगे। देखिए दो फंदे सीधे और एक उल्टा, दो सीधे 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 एक उल्टा, फिर दो सीधे एक उल्टा, और यहाँ पे देखिए दो सीधे आगे लास्ट में। ये हमारे पास ऑलरेडी दो सीधे ही हैं, एक उल्टा है, तो यहाँ पे हमने फंदा बढ़ा लेना है, लेकिन हमारे पास उल्टा है फंदा, तो इस तरह से आप ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, एक सीधा और एक इस तरह से इसको उल्टा बना देंगे। फिर दो सीधे, दो सीधे के बाद फिर से हमने यहाँ पे दो का एक बनाना है, तो इस तरह से दो का एक बना दिया, तो इनक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और बाकी फंदे सीधे बनेंगे। और उल्टी साइड जो होगी उसमें जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा ही हमने बनाना है, जैसे पहले वाले पोर्शन में बनाया है। एक सिलाई फिर से करके दिखा देती हूँ आपको, फिर आपने इसी तरीके से जो है करना है जब तक हमारे पास साइड में 7-7 फंदे नहीं रह जाते, बीच में हमारे पास 62 फंदे नहीं बचते हो जाते। इस तरह से हमने बढ़ाना है, साइड वाले सीधे फंदों को सीधा बुनेंगे, देखिए
देखिए साइड वाले सीधे फंदे सीधे बुन लिए। अब ये हमारा जो है यहाँ पे आपने देखना है, ये हमारा उल्टा है, दोनों साइड जो फंदे हैं सीधे हैं और ये उल्टा फंदा है, तो इसे हम इस तरह से उल्टा बना देंगे ऐसे, और दो सीधे, एक उल्टा, सॉरी उसे तो हम सीधा ही बनाएंगे, यहां से हमारा पैटर्न शुरू होगा। ये तो हमारा घटाया हुआ फंदा था, तो इसे हमने सीधा ही बुनना है। देखिए इस तरह से सीधा बुनना है, क्योंकि इस पोर्शन से हमने फंदे घटाने हैं, इस पोर्शन से हमने फंदे घटाने हैं, तो इस पोर्शन से हमने फंदे बढ़ाने हैं। देखिए ये सीधा हो गया, दो सीधे हो गए, एक उल्टा हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे तीन फंदे सीधे हैं, तो तीनों को हम सीधा बना लेंगे। जहाँ हम इसे इस तरह से देखिए, इसे उल्टा, और इसे भी उल्टा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फंदे जो हैं ये वाले सीधे आएंगे, तो इन्हें हम उल्टा बनाएंगे ऐसे, दूसरी साइड से सीधा बनेगा। थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या हमने किया है। यहाँ पे दो सीधे, एक उल्टा, दूसरी साइड से दो सीधे एक उल्टा है, यहाँ से एक सीधा और दो उल्टे आएंगे, क्योंकि ये है बैक साइड, और बैक साइड से हमारा इस तरीके से बनेगा, एक सीधा और दो उल्टे। तो इस तरह से ये कंप्लीट कर लेती हूँ, दो चार सिलाइयाँ फिर आपको बताती हूँ। अब देखिए फिर से सीधी साइड में आ जाइए, दूसरी सिलाई, फिर से हमने ये सीधे फंदे सीधे बुनने हैं लास्ट के दो फंदे रहने तक, मतलब कि जो दो सीधे हैं उसके पहले वाले दो फंदों में हमने घटाना है। तो इस तरह से ये देखिए, ये दो फंदे सीधे हैं, तो ये दो फंदे घटाएंगे हम इस तरह से, दो का एक करेंगे और दो फंदे हमारे सीधे आएंगे। अब यहां से एक फंदा उल्टा, और इस फंदे को भी हम सीधा ही बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाना है। देखिए तो ये फंदा हमारा आएगा सीधा इस तरह से, और ये वाला, और ये फंदा उल्टा। देखिए दो सीधे आके एक उल्टा हो गया, फिर दो सीधे एक उल्टा। यहाँ से आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा फंदा हमारा सीधा आ रहा है, कौन सा फंदा उल्टा आ रहा है, क्योंकि एक बार उल्टा आएगा दूसरी बार अपने आप ही दो फंदे हो जाएंगे। जैसे हम पैटर्न बना रहे हैं दो सीधे और एक उल्टे का, दूसरी बार जब हम बनाएंगे तो अपने आप ही जो है फंदा आपका ठीक हो जाएगा। दूसरी साइड से मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको, फिर आपने उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया है। ये दोनों सिलाइयाँ एक बार थोड़ा सा आपको दूसरी साइड से बता देती हूँ। ये दो फंदे सीधे आ गए, और ये फंदा उल्टा आ गया, ये दो सीधे आ गए, ये उल्टा आ गया। थोड़ा सा पैटर्न सेट करने में थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा, बाकी आपका बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। देखिए इस तरह से एक फंदा उल्टा, इसे सीधा बनाया और इसको भी सीधा बनाया, तो आपके दो फंदे यहाँ पे जो है सीधे हो जाएंगे, एक उल्टा दो सीधे। फिर से हमने जब हम दूसरी बार बढ़ाएंगे तो यहाँ पे बीच में एक उल्टा आ जाएगा अपने आप ही। दो सीधे, और यहाँ पे ये वाले फंदे यहाँ पे डिक्रीज करना है हमने। देखिए इस तरह से दो का एक करेंगे और बाकी फंदे सारे सीधे। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पे दो के बाद एक फंदा उल्टा है, दो फिर सीधे हैं। जब हम अगली बार बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ेगा, तो ये फंदा यहाँ पे जो बीच में फंदा आएगा वो उल्टा आ जाएगा, ये फंदे सीधे हो जाएंगे, ये फंदा उल्टा है ये सीधे हैं। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे भी बन जाएगा। देखिए ये दो फंदे सीधे हैं और यहाँ पे तीन फंदे हैं, तो
तो यहाँ से एक फंदा हमारा यहाँ पे उल्टा चला जाएगा, फिर दो सीधे आ जाएंगे, तो बीच में जो फंदा बढ़ेगा यहाँ पे वो हमारा उल्टा फंदा हो जाएगा। इस तरह से आपका सेट होता ही होता अपने आप ही जाएगा। तो इस तरह से आपने बनाना है। मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा, फिर आपको बताऊंगी कि आगे हमने कैसे बनाना है इसको। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है और हमारे फंदे जो हैं यहाँ पर 7 फंदे हैं। देखिए 2, 2, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद 2 फंदे सीधे एक उल्टा, 2 फंदे सीधे एक उल्टा, सीधी साइड से बनाएंगे और उल्टी साइड से हमारा एक फंदा सीधा आएगा और 2 उल्टे आएंगे। यहाँ पे भी 7 फंदे बचे हैं हमारे पास, 2, 2, 4, 5, 6, 7, उसके बाद 2 फंदे फिर सीधे आएंगे। मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे पैटर्न स्टार्ट किया था सेम उसी तरीके से जो है हमारे फंदे यहाँ पे आ गए हैं। 76 फंदे हमने 76 फंदों से स्टार्ट किया था, तो 76 ही हमारे पास यहाँ पे आ गए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, और ये 38। तो हमारे पास 76 फंदे आ गए हैं। तो इन्हीं 76 फंदों को हमने इस तरह से, देखिए आप देख सकती हैं इस तरह से बनेगा ये, यहाँ से इस तरह से आएगा। यहाँ पे बटन्स लगेंगे दो, कोई भी आप बटन लगा लीजिए। तो ये जो बैक का हिस्सा है हमारा यहाँ तक पहुंचा, देखिए यहाँ तक इस तरह आ जाएगा। इस तरह से आ गया। अभी इतना हमने जो है इसकी लंबाई जो है, देखिए यहाँ तक इसकी लंबाई है, ये कंप्लीट करनी है। 7 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे दोनों साइड से, ये जो यहाँ पे और यहाँ पे है, और बीच वाले जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बनाना है। अब हमने कोई भी घटाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, सिंपल सरल सीधा जो है इसको बुनते हुए जाना है। तो कितना बुनना है इसको, जितना हमने फ्रंट साइड का पोर्शन बुना है इस तरह से, देखिए यहां से लेके यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहां से लेके यहां तक इसको बुनना है। 10.5 इंच के करीब जो है इसको मैं बुन लेती हूँ, फिर इसकी फाइनल लुक को दिखाऊंगी। दोनों पोर्शन को जहां से लेके यहां तक जो है, जहां से हमने घटाई शुरू की थी वहां तक इसको जोड़ लेना है, ऐसे यहां तक सिल लेना है। ये हमारे आर्म्स बनेंगे ये इस तरह से, और ये नेक का पार्ट बनेगा, और इस साइड से भी ये आर्म्स बनेगा, देखिए इस तरह से। और ये होगा हमारा नीचे की साइड का हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलना है दूसरी साइड। तो इसकी पहले लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा सा जो है ये स्वेटर कह लीजिए आप, अंडर शर्ट कह लीजिए, इसे इनर कह लीजिए, बच्चे के लिए बना रही हूँ। बहुत प्यारा सा बन रहा है, पूरी लुक आपको दिखाऊंगी कैसा बना है। इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। अब देखिए इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, ये दूसरे हिस्से का पोर्शन है, दूसरी साइड का, देखिए इस तरह से बना है ये। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, तो बनाते हुए गए इस तरह से बैक साइड बनाई, और ये बैक साइड का पोर्शन है। अब हमने इसको जो है बाइंड ऑफ करना है स्टिचेस को, तो बाइंड ऑफ देखिए हम कैसे करेंगे। इस तरह से एक फंदे को उतारेंगे, और 2 फंदे बुनेंगे, फिर दोनों को इस साइड में लेके आएंगे ऐसे, धागे को अपनी तरफ करके दोनों को इस साइड में लेके आएंगे, धागे को बैक साइड करेंगे। देखिए धागे को बैक साइड करा, फिर यहाँ पे इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पलट दिया, फिर इसको बनाया इसके ऊपर से ऐसे पलट दिया, फिर 2 फंदे बनाएंगे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ इस सिलाई में लिया, धागे को बैक साइड किया, फिर से इसे इस तरह से लिया और इसको इसके ऊपर से पलट दिया, फिर इसे लिया और इसको इसके ऊपर से पलट दिया। तो इस तरीके से हमने जो है इन फंदों को बंद करना है, धागा अपनी तरफ, इसको ऐसे लिया ऐसे,
फिर इसको बनाया, इसके ऊपर से पलट दिया, इसको बनाया और इसके ऊपर से पलट दिया, दो फंदे। तो इस तरह से कुछ अलग सा जो है हमारा यूएनजी वाइंड ऑफ हो जाएगा। इस तरह से तो सारा हम बंद कर लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बाइंड ऑफ कर लिया है और यहाँ पे भी। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हमने घटाई शुरू की थी और यहाँ पे भी, यहाँ तक हमने इसको सिलना है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। चाहे तो आप ये वाली लाइंस गिन लीजिए, चाहे तो आप इसे इस तरह से इकट्ठा मिलाते हुए अच्छी तरह से यहाँ तक सिल लीजिए। मैंने ये मार्कर लगाए हैं, मैंने जो है यहाँ तक इसे सिलना है। देखिए घटाई तक मैंने मार्कर लगाए हैं। इस तरह से इसको सिल के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बन करके रेडी हो गया है हमारा वेस्ट। इस तरह से देखिए, ये मैंने दो बटन्स लगाए हैं। आप किसी भी कलर का बटन लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसी में, जैसे कि ये वाइट है तो वाइट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लैक लगाया है। देखिए इस तरह से इसको हमने बनाया है। ये बैक साइड है इसकी, इस तरह से ये बैक साइड का पोर्शन है और ये फ्रंट साइड का पोर्शन है। बहुत ही प्यारी सी जो है, प्यारा सा इनर बन के रेडी हुआ है। इसे आप कार्डिगन के नीचे पहन के कार्डिगन को खुला छोड़ सकते हैं, जैसे भी आप इसे वेयर करना चाहें वैसे ही कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।